गाइस ये मैच बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर चार टीम्स हैं और हर एक टीम में भाई एक एक जैसे दो दो प्लेयर हैं भाई, जैसे दो रोमन रेंस, दो जॉन सीना, दो ब्रॉक लेसनर और दो रॉक। भाई बहुत अमेजिंग होने वाला है मैच ये वाला, और चारों की चारों टीम एक ही बारी में मैच में लड़ेंगी, और जो सबसे ज्यादा बार पिनफॉल करेगा ना वो आज का नया चैंपियन बनने वाला भाई। स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है भाई, और रिंग में जाने से पहले आप सबको पता है भाई क्या करना है, मैं हर बारी बताता हूँ, तो ये बारी भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। वैसे आपको सब समझ आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है भाई, तो और बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लेना, जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि अब कौन सा नया वीडियो आया। तो भाई फिलहाल ये, अरे भाई रिंग के अंदर है सारे के सारे, दो दो रोमन रेंज, दो दो ब्रॉक लेसनर, अरे एक एक फिनिशर सबके पास था भाई। अरे मैच शुरुआत होने दो भाई, इधर कमूरा लोग, इधर F5 और इधर भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई, सब मजाक। अरे पिनफॉल भाई, पिनफॉल भी रोकना है भाई, एक दूसरे का पिनफॉल भी रोकना है भाई। वाह भाई वाह, ये मैच का आइडिया भाई दिमाग में आया तो सोचा कि चलो आज ये वाला मैच करवाया जाए। दो दो ब्रॉक लेसनर है, दो दो जॉन सीना, दो दो रोमन रेंस और दो दो रॉक, भाई चारों के चार टीम्स खतरनाक है, एक से बढ़कर एक खतरनाक टीम है भाई। और भाई रॉक बॉटम पड़ता हुआ जॉन सीना को, जॉन सीना ने बचा लिया भाई जॉन सीना को, और ब्रॉक लेसनर रस्सी के ऊपर चढ़ के भाई पता नहीं कहाँ कूदने की तैयारी कर रहे थे, और ये रोमन रेंस पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आई, हमारी भी समझ में नहीं आई कि वो पता नहीं क्या बोल रहे थे भाई। फिनिशर पढ़ने वाला भाई किसी ना किसी को, जॉन सीना के पास फिनिशर है, अभी चार फिनिशर वाले बंदे मौजूद हैं, अभी चार फिनिशर और पड़ेंगे भाई आज के मैच में, आपको जितने ज्यादा फिनिशर देखने को मिलने वाला। ए ये लो पहला फिनिशर, मैंने बोला ही था, और पिनफॉल कोई करने नहीं देगा नहीं, ये देखो भाई कोई किसी को पिनफॉल करने देगा नहीं। जॉन सीना ने भाई हथो फावड़ा निकाल लिया, वो किसको पड़ेगा, रेफरी को ने, अरे रोक को पड़ गया भाई फावड़ा, रोक को। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस रिंग से बाहर निकल चुके हैं और जर्मन सुप्लेक्स लगा रहे हैं भाई रोक को, रोमन रेंस को। भाई ये मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई, टेबल की तरफ लेके जा रहे थे भाई, लेकिन भाई किधर किधर बोला, अबे रोमन के सर में फावड़ा पड़ता हुआ भाई। आज देखते हैं कि इन चारों में से भाई कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्कोर बनाती है। 20 मिनट का ये मैच रहेगा और सबसे ज्यादा बार पिनफॉल करने वाली टीम आज की विनर बनेगी, लेकिन आप मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि कोई भाई किसी को एक भी पिनफॉल करने देगा, और रोमन को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है आज के मैच में, क्योंकि रिंग में इतनी भीड़ है ना खचाखच भाई, कोई इनको फिनिशर भी लगाने नहीं देगा, अपना सिग्नेचर और फिनिशर रोमन को दिक्कत रहने वाली है भाई आज, कोई ना कोई बीच में घुस जाएगा उनका सिग्नेचर फिनिशर रोकने के लिए। F5 की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन रिवर्स कर दिया रोमन रेंस ने, फिनिशर भाई भर भर के पढ़ने वाले हैं आज इस मैच में, सिग्नेचर फिनिशर बस सबके पास है और पढ़ने वाले भी है, स्टील स्टेप्स भाई, क्या डंडा, क्या फावड़ा, क्या भाई सब चलेगा आज के मैच में बहुत ही। अरे पिनफॉल करवाने की कोशिश करते हुए, अरे रोक देखो सामने, इनको बचाने की बजाय बस स्टाइल मार रहे हैं, ये अलग ही कांड चल रहा है भाई, इनकी अलग कहानी चल रही है। सिग्नेचर भाई रोमन को सिग्नेचर पड़ गया, रोमन की एक बार हेल्थ चेक करें भाई, रोमन की हेल्थ डाउन है, हेल्थ वैसे अब सबकी डाउन हो चुकी है, जॉन सीना की हेल्थ सबसे सही है भाई, टू तक काउंट हो चुका है, टू तक काउंट कर गए भाई कोई ना कोई। अरे पिनफॉल भाई, आपको लगता है भाई कोई पिनफॉल होने देगा आज के इस मैच में, ब्रॉक लेसनर ना फावड़ा लेकर के भाई, ब्रॉक लेसनर रॉक को पिनफॉल करने वाले थे, लेकिन उन्हीं के साथ ही दूसरे ब्रॉक लेसनर भाई उन्हीं को पिनफॉल नहीं करने दे रहे थे, उनको इतनी बेताबी थी ना उनको मारने की फावड़े से, कि उनको ये भी पता नहीं चला कि भाई ये सामने वाला मेरे वाला बंदा भाई पिनफॉल कर रहा है। और बाहर भाई रोमन जॉन सीना को भाई स्टील सबसे धोते हो भाई, ये मैच तो बहुत ही गजब का है भाई, बहुत ही गजब का मैच है भाई ये तो, टैग टीम मैच और वो भी टोर्नेडो। और भाई देखो F5, अरे मूव थेफ्ट भाई, मैं बताना भूल गया, मूव थेफ्ट सबके पास है, ब्रॉक लेसनर ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई जॉन सीना को दे दिया, आज सब एक दूसरे के मूव कॉपी कर करके लगाने वाले हैं भाई इसमें ए, और ये सुपर सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ती हुई भाई, सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ती हुई ब्रॉक लेसनर को, अगर किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, रोक यार थोड़ा पीछे हट जाओ भाई, पीछे हटो ऊपर गिर जाएगा भाई तो, अरे
यार इन लोगों को इतनी बेताबी है ना एक दूसरे को मार पिटाई करने की, फिनिशर भी एक दूसरे को पूरा नहीं करने दे रहे हैं भाई ये लोग। अरे पहला पिनफॉल भाई रोक कर गए भाई, पहला पिनफॉल कर गए। रॉक लेसनर का पहला पिनफॉल हो चुका है, रोक ने भाई एक पॉइंट बना लिया, टीम रोक का एक पॉइंट हो चुका है। 15 मिनट 30 सेकंड का गेम लगभग बाकी है। जॉन सीना भी भाई पिट, ये बाहर कितनी गुत्थम गुत्थम मच रही है भाई, कौन किसको मार रहा पता भी नहीं चल रहा। चार चार पांच पांच, अरे रॉक बॉटम, रोमन भाई रॉक को रॉक बॉटम देते हुए भाई, कभी देखा भाई रियल में हम कभी देखेंगे क्या ये सीन। और भाई पिनफॉल होने वाला था रोमन का, रॉक का पिनफॉल होने वाला था, बस मुंह थेफ्ट देना भी भाई बड़ी गजब की चीज है भाई। और पता चले रोमन भाई F5 देने लगे, और भाई रॉक बॉटम पड़ता हुआ रॉक को रॉक बॉटम दिया भाई ब्रॉक लेसनर ने भाई। और रोमन भाई मुझे लग रहा है एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाएंगे बीच में। और जॉन सीना भाई या तो स्पीयर या सुपरमैन पंच, फिनिशर भाई रोमन के पास तीन तीन है भाई, ब्रॉक लेसनर के पास तीन फिनिशर, बताना मुश्किल है कब किसको फिनिशर पड़ जाए। 1-2 लेकिन ब्रॉक लेसनर एंड टाइम पे पहुंच के बचा लिया उन्होंने पिनफॉल होने से। टीम रॉक अभी एडवांटेज में है, टीम रॉक का स्कोर हो चुका है 1। और रोमन बाहर तैयारी कर रहे थे F5 देने की ब्रॉक लेसनर को भाई। भाई ये लोग दर्शकों में घुसने वाले हो रखे हैं भाई इस टाइम। ये भाई चल क्या रहा है भाई, ये कौन कहां लेटा हुआ, ये कॉर्नर में कौन है यार, अरे कॉर्नर में किधर है भाई। अच्छा रोमन और ब्रॉक है भाई, रोमन और ब्रॉक लेसनर है, वो जब भी होश में आता ना कोई ना, रोमन फिर से आके उनको मार के चले जा रहे हैं भाई, फिर से आके स्टाइल भी मार रहे हैं उनके पास। पहले उनको होश आता है फिर उनको मार के नीचे गिरा देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उनको होश आता है फिर मार के चले जाते हैं, फिर नीचे गिरा दे रहे हैं भाई। भाई अल्टीमेट मैच हो रहा है भाई, ये तो बहुत ही गजब का मैच है। वाह भाई वाह, रिंग में ब्रॉक लेसनर और रॉक है भाई, ये कुछ ना कुछ कांड करेंगे। कमूरा लॉक लगा दिया भाई, रॉक आप पहुंच चुके हैं रॉक को बचाने के लिए, अरे बचा भी लो यार, टैप आउट कर देंगे इतनी देर में। अब सोच समझ के भाई इतनी देर में उन्होंने इसको लात मारी, और फिनिशर देने जा रहे थे भाई जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना नीचे, भले उन्होंने रिवर्स कर दिया। और इधर एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई रॉक को बढ़ता हुआ, और पिनफॉल के लिए जाएंगे रिंग में, भाई कोई नहीं है बचाने के लिए रॉक को। ब्रॉक लेसनर पहुंच चुके हैं, ब्रॉक लेसनर ने नहीं रोका भाई, सामने पिनफॉल होने दिया। तो जॉन सीना की टीम का स्कोर हो चुका है 1, रॉक किसकी टीम का स्कोर हो चुका है 1। 12 मिनट 45 सेकंड का गेम बाकी है। रोमन आज कोई फिनिशर नहीं लगाने वाले, तभी वो कॉपी कर करके लगा रहे हैं भाई। एक और फिनिशर जॉन सीना को, रॉक बॉटम, पिनफॉल तो करके देखो यार, क्या पता हो ही जाए भाई। रोमन हवा में उछलने की कोशिश करते हुए लेकिन बहुत मुश्किल है। एक और फिनिशर जॉन सीना को, रॉक बॉटम, एक और रॉक बॉटम भाई, कितना फिनिशर देखने को मिल रहा है भाई। 1, किसका पिनफॉल हो रहा है भाई ये? भाई ये मैच बहुत ही अल्टीमेट है भाई, ये लाइव स्ट्रीमिंग में करूंगा मैं किसी दिन मैच सेम सुपरस्टार्स के साथ। रोमन पता नहीं कहां चढ़ रहे हैं भाई ऊपर, एक फिनिशर सिग्नेचर लगा के भाई अपना कुछ एक आध पॉइंट बना लो, लेकिन नहीं। जॉन सीना की टीम का स्कोर हो चुका है 1, रॉक की टीम का स्कोर हो चुका है 1। 12 मिनट का गेम बाकी है, और सुपर फिनिशर पड़ने वाला है रोमन को। रिवर्स नहीं किया भाई, सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट इस मैच में दो दो बार इस मैच में सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट। वाह भाई वाह, रोमन को वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब लग रहा है कि भाई कुछ मैच हो रहा है भाई, गजब का मैच होने वाला था पिनफॉल, लेकिन बचाया किसने है, किक आउट कर दिया मुझे लग रहा है रोमन ने। अब एक और फिनिशर पड़ेगा भाई रिंग के बाहर, तो भाई बहुत ही, अरे रॉक को रॉक बॉटम भाई, कितना फिनिशर भाई, फिनिशर काउंट करूंगा मैं वीडियो बनाने के बाद कि कितने फिनिशर इस मैच में लगे हैं भाई। वाह भाई वाह, इसमें तो भाई बताना मुश्किल है कि कौन किधर कहां क्या कर रहा। रोमन फाइनली उछल के एक हिट करने में कामयाब हो गए, और अब मुझे लग रहा है कि रोमन अपना फिनिशर सिग्नेचर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तीन फिनिशर एक सिग्नेचर है भाई,
और अब मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे फिनिशर के लिए। रोमन खाली चेयर के ऊपर पैर पटकते हुए रोक उठ गए थे भाई वहां से, और अब मुझे लग रहा है रोक बॉटम पड़ेगा, पड़ेगा भाई रोक बॉटम रोम जॉन सीना को पक्का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है भाई, बहुत ही बुरी तरह से भाई ये तो मैच चल रहा है। बाहर रोक बॉटम पड़ रहा है भाई ब्रॉक लेसनर को, और अब यहां पे भाई अरे रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया जॉन सीना ने। अरे जॉन सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हो भाई रोक की, रोक ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया भाई, वो भी टायर्ड रोक, टायर्ड फिनिशर भाई। बहुत अल्टीमेट मैच हो रहा है ये, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई दबा दबा के। चेयर बढ़ती हुई रोक को भाई, लेकिन तो रोक निकलिए बाहर, अब जॉन सीना को पड़ेगी चेयर। फिनिशर रोक बॉटम चेयर के ऊपर भाई ब्रॉक लेसनर को, ये पक्का पिनफॉल हो जाना चाहिए अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आए बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ भाई, ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया। एटीट्यूड F5 पड़ता हुआ भाई, और इधर भाई मैं क्या क्या बोलूं, किधर किधर बोलूं, जिधर देखो फिनिशर भाई, इधर देखो एक फिनिशर के बारे में बताता हूं ना, और ये देखो रोमन ने भी लगा दिया। मैंने कहा था ना रिंग में अब खाली जगह हो चुकी है, तो पहला फिनिशर रोमन की तरफ से, और अगर कोई बचाने नहीं आया तो ये पक्का पिनफॉल है भाई। जॉन सीना पहुंच गया बचाने के लिए, बचा लिया भाई, बचा लिया, बचा लिया। 9 मिनट 25 सेकंड का गेम बाकी है। अरे चेयर देखो भाई, क्या हेलीकॉप्टर बन रही है भाई चेयर की, कमूरा लोक भाई जॉन सीना को लगता हुआ भाई। भाई ये मैच बहुत ज्यादा वायलेंट है, 5 स्टार मैच हो चुका है, अभी बहुत टाइमिंग बचे। अगर इसमें मैच में ये 6 या 7 स्टार का भी ऑप्शन रखते ना, तो ये मैच भाई 6 या 7 स्टार तक चले जाना था आराम से। भाई रिंग के बाहर भी देखो भाई, रोमन का टकला फोड़ते हुए रॉक, और रिंग के अंदर भी भाई कुछ ना कुछ चल ही रहा है, किसी ना किसी को फिनिशर पड़ रहा है, किसी ना किसी को वेपन से मार पड़ रही है, कोई ना कोई मार खा रहा है, कोई बाहर गिर रहा है, कोई रिंग में घुस रहा है, कोई पिनफॉल कर रहा है, कोई पिनफॉल छुड़वाने में बिजी है। रेफरी भी कंफ्यूज है कि भाई मैं देखूं तो किधर देखूं, किस किस को बचाऊं मैं इस मैच के लिए, तो ना भाई 4-4 रेफरी असाइन करने पड़ेगा इस मैच के लिए, भाई 4-4 रेफरी की जरूरत पड़ेगी भाई, ऑप्शन देना चाहिए भाई 4-4 रेफरी का भी। लैडर भी आ चुकी है भाई, लैडर का क्या काम है इस मैच में यार, इसमें कौन सी बेल्ट ऊपर टंगी हुई है यार, इसमें लैडर नहीं है, ये लैडर मैच नहीं है भाई। कोई बात नहीं, इनको लैडर यूज करनी है तो करने दो यार, हमारा क्या जा रहा है भाई, करो लैडर यूज, ऊपर चढ़ चढ़ के फिनिशर लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लगाओ यार। मैं सोच रहा हूँ एक बार ना भाई इनका लैडर मैच भी करवा दे, एक रॉक बॉटम पड़ता हो भाई रिंग के अंदर ब्रॉक को, ब्रॉक ने भाई अपने साथी को बचाया भी नहीं, रॉक बॉटम पड़ता तो पड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और पिनफॉल नहीं होने दिया भाई ब्रॉक लेसनर ने, किक आउट पता नहीं कैसे किया। और इधर भाई जॉन सीना ने फिनिशर दिया, और इधर ब्रॉक लेसनर फिनिशर दे रहे हैं भाई, कितना फिनिशर लगेगा इस मैच में, कोई पिनफॉल छुड़ा रहा, कोई फिनिशर दे रहा भाई, कोई स्टाइल मार रहा भाई, अरे कितना एक के बाद एक फिनिशर भाई, एक फिनिशर खत्म होता है ना भाई अगला फिनिशर लगना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई, अल्टीमेट मैच, अभी भी फिनिशर किसी के खत्म नहीं हो रहे हैं भाई, फिनिशर आ ही जा रहे हैं भाई सबके पास। रोमन के पास 3 फिनिशर, दोनों के पास, ब्रॉक लेसनर के पास 3 फिनिशर, रॉक के पास 1 फिनिशर। सीढ़ी के ऊपर लेटा के भाई सबमिशन मूव लगाया हुआ ब्रॉक लेसनर को, भाई क्या चल क्या रहा। अब मुझे लग रोक बटन लगेगा जॉन सीना को, भाई तैयार हो जाओ देखने के लिए, लेकिन रोमन ने डिस्टर्ब कर दिया रोक को। 3 दिन बंदे भाई रोक उसके लैडर के ऊपर लेटे हुए हैं भाई, स्टील स्टेप्स बाहर गिरते हुए। रेफरी कंफ्यूज है, मैं किसको देखूं, किधर पिनफॉल करूं, किसको मैं भाई रूल समझाऊं कि क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ पता नहीं चल रहा भाई। एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ती हुई रोमन को, अगर किसी ने तंग नहीं किया ना, हाँ पड़ गया भाई, टायर्ड फिनिशर जॉन सीना भी थक चुके हैं भाई, अब वो पिनफॉल करेंगे और बचाने के लिए ब्रॉक लेसनर घुसेंगे रिंग में। अरे पिनफॉल क्यों नहीं किया भाई, अब किया पिनफॉल इतनी देर में, और रोमन ने बचा लिया। स्कोर में बता देता हूं, टीम रॉक स्कोर 1, जॉन सीना स्कोर 1,
और बाकी दोनों का जीरो है फिलहाल, और 6 मिनट का गेम अभी बाकी है। फिनिशर कितने हुए इस मैच में, एक बार फिर से पिन कोल होता हुआ, हो गया भाई। टीम रोक ने भाई 2 पॉइंट बना लिए, भाई 2 पॉइंट बना लिए। मैं आराम से रिमोट साइड में रख के भाई आराम से बैठ के मैच देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। 2 पॉइंट बना के टीम रोक भाई पूरी बढ़त में है, और मुझे लग रहा है कि वो जाते जाते एक आध पॉइंट अभी बना लेंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। पीपल्स एल्बो बहुत कम लगाते हैं रोक, और भाई फिनिशर पड़ गया रोक को, रोक को भी पड़ गया फिनिशर, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, वो भी सीढ़ी के ऊपर। पिनफॉल हो जाएगा रोक के पास, रेजिलेंसी नहीं है भाई इनकी, लेकिन ब्रॉक लेसनर इनको पिनफॉल करने देंगे तो भाई पिनफॉल होगा ना। 5 मिनट 17 सेकंड का गेम बाकी है, और ब्रॉक लेसनर भाई जंप करने वाले हैं रोक के ऊपर, कर दिया भाई जंप, पिनफॉल हो सकता है भाई रोक का। टीम ब्रॉक लेसनर का भी 1 पॉइंट हो चुका, टीम जॉनसन स्कोर 1, टीम ब्रॉक लेसनर स्कोर 1, टीम रॉक स्कोर 2। अभी भी टीम रॉक जो है वो बढ़त बनाए हुए है इस मैच में, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक मैच मिला है। ये वाला कंसेप्ट, ये वाला मैच बहुत करवाया जाएगा भाई। F5 पड़ती हुई रोमन रेंस को, F5 रॉक बटन पढ़ने की तैयारी भाई रोमन को, और पढ़ भी गया, वाह भाई वाह, अल्टीमेट 3 भाई। रॉक की टीम का स्कोर हो चुका है 3। वाह भाई वाह, अल्टीमेट मैच, सिर्फ 3 मिनट 45 सेकंड का गेम बाकी है, और रोमन भाई फिनिशर देने के मूड में है, लेकिन फिनिशर देंगे किसको? दोनों रोमन भाई उतावले हैं ब्रॉक को फिनिशर देने के लिए। भाई बहुत ही अमेजिंग और खतरनाक ये मैच हो रहा है भाई। पिनफॉल किसका हो रहा है? ये रोमन ने भी भाई फाइनली 1 पॉइंट। टीम रॉक का स्कोर हो चुका है 3, टीम रोमन का स्कोर है 1, ब्रॉक लेसनर की टीम का स्कोर है 1, और जॉन सीना की टीम का स्कोर है 1। भाई ये मैच तो बहुत, एक और फिनिशर भाई कि पता नहीं किसको पढ़ने वाला भाई, ओपोनेंट तो दिखाई दे रहा है किसको पढ़ने वाला भाई ये मैच, ब्रॉक लेसनर को, और एक और पॉइंट लगा लो अगर कोई बचाने नहीं आया तो रोमन का स्कोर 2 होने वाला है। रोमन की टीम का भाई स्कोर हो चुका है 2। बहुत ही टफ सिचुएशन में ये मैच पहुंच चुका है, रोमन जो है वो रॉक की टीम से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं, और मुझे लग रहा है एक और फिनिशर रॉक को भाई, एक और फिनिशर पड़ गया भाई, अगर ये नहीं बचाया किसी ने तो 1 पॉइंट और बराबरी कर लेंगे भाई रोमन भी अगर नहीं रोका, लेकिन पिनफॉल नहीं किया, कमूरा लॉक लगाते हुए भाई बचा लिया रोमन ने, रोमन ने पिनफॉल नहीं किया रोक का। अब मुझे लग रहा है वो फिनिशर के लिए कोशिश नहीं की भाई, इतना शोर मचा भाई बीच में, रोक बाहर पड़े हैं दूसरे रिंग में है, और कमूरा लोग लगाए जाए हैं ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को, कोई छुड़वा लो भाई, रोमन ने छुड़वा लिया भाई। 1 मिनट 50 सेकंड का गेम लगभग बाकी है, रोक पता नहीं क्यों सी गुलाटियां खा रहे हैं भाई बीच में। अगर रोकने एक आधा फिनिश, ये पिनफॉल हो सकता है भाई अगर नहीं किसी ने छुड़वाया तो, रोमन है पीछे और भाई बचा लिया, और अब ये फिनिशर भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट, उधर कमूरा लोक लग रहा है और इधर एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ रहा है भाई, और उधर रोमन भी अपना फिनिशर देने पे लगे हैं, बचा लिया रोक ने, बचा लिया भाई। 1 मिनट 30 सेकंड का गेम और बाकी है, और रॉक बॉटम भाई, रोमन साथ ही खड़े थे बचा लिया, लेकिन अब भाई ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स उधर रोमन को पड़ते हुए, अरे भाई बहुत ही खतरनाक पिनफॉल हो सकता है भाई रोमन का अगर किसी ने नहीं बचाया तो,
जॉन सीना गलत जगह मारने थे, लेकिन भाई फाइनली बचा लिया उन्होंने, पिनफॉल छुड़ा लिया। एक मिनट का गेम बाकी है सिर्फ, फिलहाल सिर्फ टीम रॉक एडवांटेज में है। जॉन सीना भाई फालतू के मूव लगाते हुए, लेकिन ये नहीं कि फिनिशर फिनिशर लगा के कोई पॉइंट पॉइंट बनाए, नहीं नहीं F5 देते हुए ब्रॉक लेसनर, अगर नहीं कि और उधर एटीट्यूड एडजस्टमेंट बढ़ती हुई भाई, एक के बाद एक फिनिशर, पिनफॉल हो जाएगा पक्का भाई। टीम ब्रॉक लेसनर का भी स्कोर हो चुका है 2 भाई, बहुत ही क्लोज हो चुका है। 34 सेकंड का मैच बाकी है। रोमन रेंस 2 स्कोर, ब्रॉक लेसनर 2, जॉन सीना मनो रॉक की टीम का स्कोर हो चुका है 3 भाई। क्या रॉक की टीम सरवाइव कर पाएगी? 22 सेकंड, सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? एक और रॉक बॉटम भाई जॉन सीना को, क्या पिनफॉल हो पाएगा अगर किसी नहीं बचाया तो? बचा लिया रोम ने, और ब्रॉक लेसनर ने भाई फिनिशर रिवर्स कर दिया भाई। कितना फिनिशर इस मैच में बड़ा, अब क्लियर विनर आज के रोक है भाई। 5 सेकंड का गेम बाकी है, अब पिनफॉल नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। जाते जाते भी भाई ब्रॉक लेसनर एक फिनिशर लगा ही गए भाई, तो नए चैंपियन हमारे इस मैच पर टीम रॉक। अमेजिंग मैच, गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और जो नए हैं हमारे चैनल पे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम्स मैं कोशिश करूंगा कि हर सैटरडे वीक में कम से कम एक लाइव स्ट्रीम मैं करूं, और बहुत ही मजेदार ये गेम प्ले रहा आज का। चलो विक्ट्री सीन देखते हैं भाई इनका। वाह भाई वाह, इनको टैग टीम चैंपियनशिप मैच भाई कंपीट करवाया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ टीम KGF के साथ इनका मैच करवाया जाए कभी। श्योर, अब से भाई मैं बहुत सारे प्लेयर्स की टीम भी बनाऊंगा और उनकी एंट्रेंस भी कई बार देखा करेंगे भाई। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है गेमिंग नर्सरी, और जो नए हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज़।